सरकार का नया कानून मोटर वाहन अधिनियम, जिसमें 10 गुना से ज्यादा फाइन लिया जा रहा है। यह अधिनियम लागू करके सरकार ने पुलिस को गुंडागर्दी करके आम जन को परेशान और लूटपाट करने की खुली छूट दे रखी है। इस अधिनियम के लागू होने के बाद पूरे देश भर के पुलिस खुलेआम सड़क पर गुंडागर्दी करते नजर आ रहे हैं। उपयुक्त बातें ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन बेगूसराय जिला परिषद संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अमीन हमजा एवं बेगूसराय जिला अध्यक्ष सजग सिंह ने संयुक्त रूप से कही। उन्होंने कहा कि सरकार देश में इस तरह का कानून लागू करके देश के आम जनता को सिर्फ परेशान करने का काम कर रही। समाग लाइव के लिए बेगूसराय से आरिफ के साथ पटना से धीरज सिंह की रिपोर्ट। जिंदाबाद नया मोटर व्हीकल कानून वापस लो। अरे पुलिसिया तानाशाही नहीं चलेगी। अरे पुलिसिया दादागिरी नहीं चलेगी। अरे प्रतिरोध मार्च सह पुतला दहन कार्यक्रम अपने जिला कार्यालय पटेल चौक से कैंटी चौक पर लाके हमने नितिन गडकरी और इस देश के जो सरकार के जो निरंकुश मुखिया है प्रधानमंत्री मोदी का पुतला दहन किया। हम अपने इस पुतला दहन कार्यक्रम से यह ऐलान करना चाहते हैं कि आप अगर इस काला कानून के तहत आम गरीब जो रोजमर्रा की जिंदगी में पैसे कमाता है और अपना पालन पोषण करता है, उनके साथ पुलिसिया जबरिया कानून लगाएंगे, उन पे जबरिया कर लेंगे और ना देने पर उनके साथ बदसलूकी करेंगे, तो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन और ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और आने वाले समय में अगर इस कानून को आपने वापस नहीं लिया तो हमारा आंदोलन और तेज होगा और हम लोग सड़क और रेल को जाम करने के लिए बाध्य होंगे।